नमस्कार, आज हमारे साथ पूर्व सैनिक श्री मेजर संजय आवारे जी है। इनका 18 साल का देश की सेना में अनुभव रहा है। अभी वास्तव में वो एक सफल किसान एवं एक राजनेता है। आज हम उनसे देश की चंद सवाल उनसे करने वाले हैं जो मुसीबत बन के इस समय देश की राजनीति में चल रहे हैं। मेजर संजय आवारे जी, मेरा आपको नमस्कार। नमस्कार। आप जब सर्विस कर रहे थे तो उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, आज वास्तव में बीजेपी की सरकार है, क्या फर्क है इन दोनों सरकार में? ऐसा है कि बीजेपी की सरकार कौन चला रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मोदी जी ने जो सरकार चलाई है उसका कोई जवाब नहीं है। फिलहाल मेरा तो फेवरेट, मेरा मानना है जो मोदी जी ने किया है हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो शायद ही कोई कर सकता है। कश्मीर में मैंने 5 साल नौकरी की है, मैंने उधर की हालत देखी है कि उधर आज़ादी किसी को नहीं है, ना उधर कोई ब्राह्मण हिंदू रह सकता है। फौजी के लिए तो इतनी पाबंदियां थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते बिना प्रोटेक्शन के। तो आज उन्होंने वहां का 370 हटाया, सीए हटाया, इसके बाद जो उधर आज़ादी हुई है, और शायद इस जन्म में हमको तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कभी 370 यहाँ ख़त्म होगा। नहीं, ये कांग्रेस वाले इसको ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, वो उस बंदे ने करके दिखाया। दूसरी बात जो है, मंदिर जो कोर से रिजल्ट आया है और भव्य एकदम राम मंदिर बन रहा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी, उस बंदे ने जो है हर किसान को 2000 पेंशन जो है सबके खाते में, महाराष्ट्र राज्य से हमको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये जब से उद्धव ठाकरे की सरकार, शरद पवार साहब की जो सरकार आई है, उसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। जब से वो लोग, उनका अपना खुद ही कुछ भर नहीं रहा उनका खुद का, तो हमारे पास, हम लोगों के पास आएगा क्या? कि कुछ नहीं आ रहा, जबकि उस बंदे ने हर किसान के खाते में हर महीने 2000 का पेंशन हमको दिया है, और घर घर में गैस पहुंचाई है, और उस बंदे ने जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक ख़त्म कर दिए हैं, और उसने कृषि कानून जो अभी बन रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिल्ली में जो हलचल हो रही है, ये कमीशन एजेंट जो हर मार्केट पूरे महाराष्ट्र में, शरद 2004 से लेके 14 तक खुद शरद पवार साहब जो है कृषि मंत्री थे, क्या उनको समझ में नहीं आता है कि ये आंदोलन को पठिम्बा यानी कि सपोर्ट कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको मालूम है खाना इसी में ही है। इनके जो मार्केट कमिटियाँ हैं उसमें बिचौलिया व्यापारी हर वर्ग के लोग उनके अपने बैठे हुए, उसी के ऊपर तो राज करते हैं, और खुद के अकाउंट में एक नल्ला नहीं दिखाते, मगर पूरी प्रॉपर्टी पूना में जाके देखो, इधर उधर बहुत कमाया उन लोगों ने, मगर दिखाने में क्या है, वो बहुत चालू चीज़ है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने जो काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं शायद ही कोई कर सकता है। मेरे ख्याल से तो वो फरिश्ता है हमारे लिए, वो गर्व की बात है कि ऐसा जो रत्न हिंदुस्तान में मिला है, ऐसा शायद ही कोई इंसान राजनीति में मिलेगा। और हिंदुस्तानियों को ऐसे बंदे को कभी खोना नहीं चाहिए, उसका सपोर्ट करो। और उस आज जब दिल्ली में पंजाब के जो लोग आए किसान, उनको उस बंदे ने, उनकी पुलिस वालों ने मार खाई, उनसे वो लोग मर गए, मगर एक गोली नहीं चलाई, वो उसका बड़प्पन है। मगर जो है अभी कुछ क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, इसलिए मेरे का मानना है बीजेपी जो मोदी साहब चला रहे उसकी जो, तो उसका कोई अभी जवाब नहीं है बस। और एक सवाल आपसे, घर घर ज्वाला योजना के तहत गैस पहुंचाएं, जिससे प्रदूषण कम हुआ, प्रदूषण कम होने के साथ साथ महिलाओं के आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो बंद हो गए। शायद ये वास्तव की कांग्रेस सरकार को दिखता नहीं था, तो जो कांग्रेस सरकार ने
इसका भी विरोध किया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे उसका रिजल्ट अभी महाराष्ट्र में हुए है, ग्राम पंचायत इलेक्शन, उसमें देखा गया है कि मोदी साहब ने जो चलाया है घर घर में गैस, तो पूरा ग्रामीण एरिया जो है वो सब मोदी जी को और बीजेपी की सरकार आए, हर गांव में सरपंच बीजेपी के बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि ये योजनाएं सफल हुई, गांव गांव में पहुंची है। अभी हर लेडीज को कर्जा मिलता है, मुद्रा लोन योजना, गैस योजना, हर चीज मोदी जी ने पहुंचाया। हमारे राज्य की तरफ से, महाराष्ट्र राज्य की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ हम केंद्र के सहारे ये महाराष्ट्रियन बैठे हुए हैं। हमारा मराठा आरक्षण देखो, वहाँ आजाद मैदान में कितने दिन से वो बच्चे अभी उपोषण में बैठे हैं, कोई उनका दखल नहीं दे रहा। मगर विदर्भ से जो मोर्चा लाया गया था, जो किसान आंदोलन को जो सपोर्ट करने के लिए आजाद मैदान है, उसके लिए पवार साहब उधर पहुंच गए, मगर वो मराठा आरक्षण के जो लोग वहां बैठे हुए उनके पास नहीं गए वो। क्यों? ये जो बंदा है, ये जो लोग है, ये मराठा आरक्षण के विरोधी लोग है, ये कहां से देंगे मराठा आरक्षण? और एक सवाल है मेरा आपसे, मोदी जी की विदेश नीति से आप प्रभावित होंगे? अगर है तो क्या नजर आता है जो विदेश नीति में कुछ अलग हो रहा है, इसके बारे में भी आप दो शब्द कहिए। विदेश नीति से क्या हुआ है सारे दुनिया ने देखा हुआ है। चाइना हमसे डर गया, पाकिस्तान हमारे रास्ते में नहीं आता, ये सब मोदी जी की विदेश नीति। क्योंकि उन्होंने हर देश से जो है लाइजन करके, हर देश में जाके उनकी जो युद्ध की टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, युद्ध नौकाएं हैं, हेलीकॉप्टर्स है, हर चीज जो फाइटर जो फोर्स है उसको सपोर्ट के लिए इतनी सारी चीजें लाई है। तो एक ये इंडिया जो इतना पावर में है, इसको देख के पाकिस्तान चाइना हमारे रास्ते पे नहीं आ रहा। इससे पहले वो हमको डराते थे, धमकाते थे, और कांग्रेस वाले चुपचाप मतलब रहते थे। अभी ऐसी कोई बात नहीं रही, बहुत अच्छी बात इस बंदे ने बनाई है। धन्यवाद। ओके।